आसमाने हर पीस इल्म हिकमत हर साफ बुलस्तानी हर लफ्ज बोस्तानी सादी को इस बात का शिद्दत से एहसास था कि सांस की डोर पर गिरफ्त कम होती जा रही है, इसीलिए वो चाहते थे कि बाकी मांदा चंद रोज से कुछ फायदा उठाया जा सके। जानते थे कि ना तो मौसम बहार को बका है और ना ही उसके फूलों और कलियों में बोए वफा है। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा गुलिस्तान तरतीब दिया जिसके औराक मौसमों के हेर फेर से महफूज हैं, जिसके फूल सदाबहार हैं, जो कभी मुरझा ही नहीं सकते। आज जो हिकायत मैं आपके पास लेकर आई हूं, उस हिकायत में सादी ने ऐसा अंदाजे बयां इख्तियार किया है जो निहायत ही अछूता है। मैं रुक गया है, मैं बर्बाद हो गया है। क्या बात है भाई, क्यों रोए जा रहे हो और अपने शरीके हयात को भी रुलाए जा रहे हो? आखिर बात क्या है बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। अरे भाई, क्या मदद करोगे आप? ये देखो, हम तो लूट गए। बाहर एक छोटी सी दुकान थी, वो भी नहीं रही। मैं लूट गया। आखिर ये सब हुआ कैसे? मैं अपनी बीवी के साथ गांव चला गया था, यहाँ से लुटेरू ने घर साफ कर लिया। मैं लूट गया भाई। तो फिर आप बादशाह सलामत के पास जाइए और इस सिलसिले में बात कीजिए। नहीं, मुझे बादशाह सलामत के दरबार में जाने से डर लगता है, कहीं वो मुझे ही जिंदान में ना डाल दे। अरे ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। हमारे बादशाह सलामत बहुत ही फराग दिल हैं, गरीबों और मोहताजों के लिए वो अपने कर्म की हैसियत रखते हैं और वो दिरहम व दिनार बारिश की तरह बरसाते हैं, और हो ही नहीं सकता कि उनके दरबार से कोई खाली हाथ लौटे। मेरी मानिए, आप बादशाह सलामत के पास जाइए, वो आपकी जरूर मदद करेंगे। अच्छा, मैं चलता हूं, खुदा हाफिज। अब आप क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूं, अगर बादशाह सलामत ने दीनारों दिरहम की बारिश हम गरीबों पे की, तो हम इतनी सारी दौलत का क्या करेंगे? हम अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाएंगे, जिसके दरवाजे संगलाख से ज्यादा मजबूत होंगे, ताकि कोई लुटेरा अंदर ना आ सके। और हाँ, एक अच्छी सी दुकान भी शुरू करेंगे,
ताकि हमारे बच्चों के लिए रिस्क का कोई वसीला रहे। वो सब तो ठीक है, पर मेरा भी एक ख्वाब है। ख्वाब क्या? तुम्हारे लिए ढेर सारे जेवर खरीदूं, अच्छे अच्छे लिबास बनाऊं। जब से हमारी शादी हुई है मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। इन बेकार बातों को छोड़, इन चीजों पर हम अपनी दौलत नहीं लुटाएंगे। हाँ, अब की मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं अपनी मर्जी के मुताबिक दौलत खर्च लूंगा। हाँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन अपनी दौलत को यूं बर्बाद होने नहीं दूंगी। हाँ, तो मरो या जियो मैं वही करूंगा जो मेरा दिल कहेगा। मैं लुट गई, मैं मर गई। ये देखो ये क्या करने जा रहे हैं, अपनी दौलत को यूं ही बर्बाद करेंगे। इसमें रोने की क्या बात है, पहले दौलत तो आने दो। हम कल सुबह बादशाह सलामत से दरबार में मिलेंगे। हाँ। हमें इस बात की इंतहाई खुशी है कि रियाया हातिम को भूल चुकी है और अब उनकी जुबान पर सिर्फ हमारी सखावत के चर्चे हैं। यहां पना आपका इकबाल बुलंद रहे, एक फरियादी आपसे मिलना चाहता है। उसे फौरन हाजिर करो। क्या फरियाद लेकर आए हो? हमारे आलीजा का इकबाल बुलंद हो। मैं अपनी शरीक के हयात के साथ गांव चला गया, पीछे लुटेरों ने डाका डाला, सब मालो अजबाब लूट कर ले गए आलीजा। ये हमारी सल्तनत में क्या हो रहा है सिपे सलार? हम एक शब की मोहलत देते हैं, कल लुटेरे दरबार में पेश किए जाएं। जो हुक्म आलीजा। दरबान जाओ और अशरफा लेकर आओ। ये 200 अशरफियां इन्हें मुआवजे के तौर पर दे दो ताकि ये गुजर बसर कर सके। आलीजा का इकबाल हमेशा बुलंद रहे, सच कहा था उस शख्स ने कि आपकी सखावत बिल्कुल हातिम जैसी है। बंद करो ये बकवास। हातिम खुद एक मुफलिस है, उसके पास ना मुल्क है ना खजाना। वो कंगाल क्या सखावत कर सकता है? छीन लो इनसे अशरफियां धक्के देकर बाहर निकाल दो। पर हुजूर मेरा कसूर क्या है? हुजूर मेरा कसूर क्या है? कैसी है मलिका? हम खैरियत से हैं। आज किसी ने दरबार में हातिम का नाम लेने की गुस्ताखी की। हाँ, एक बेवकूफ देहाती था, हमारी सखावत का मुकाबला उस भीख मंगे हातिम के साथ कर रहा था। आप हमारी एक सलाह मान लीजिए। कौन सी सलाह? आप एक जश्न का ऐलान कीजिए। उस जश्न में मखलूक के खुदा के मुंह
असीम उजर से भर दीजिए ताकि कोई भी हातिम का नाम ना ले। बेगम, आपके मशवरों के तो हम कायल हो चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन मशवरा दिया है आपने। हम कल ही जश्न का ऐलान करवाएंगे। जी शुक्रिया, बहुत बेहतर। सुनो सुनो सुनो, एक शाही फरमान के मुताबिक परसों जुम्मे को आलमपना अपनी रियाया में बेशुमार सीमो जर बांटने जा रहे हैं। हर खास आम को इतला दी जा रही है कि वो इस जश्न में शरीक हों। बंद करो ये सब, किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। जब तक ये हातिम जिंदा है लोग हमारी तारीफ नहीं करेंगे। हमारा नाम दुनिया में रोशन नहीं रहेगा जब तक ये जिंदा है। वो तारीख में जगह पा गया है। वजीर आला सिपह सालार को पेश किया जाए। जहां पना का इकबाल बुलंद हो, हुजूर आपने इस नाचीज को याद फरमाया। सिपह सालार, हमें किसी भी कीमत पर हातिम का सर चाहिए। हम जानते हैं कि आप एक बहादुर सिपाही हैं, लड़ाई के हर दाव पेच से बखूबी वाकिफ हैं। हमें आपकी सलाहियतों पर फक्र है सिपह सालार। मैं आपका हुक्म किसी भी कीमत पर बजा लाऊंगा, आप इत्मीनान रखिए। जहां बना सिपह सालार, हमें इस बात का यकीन है कि आप ये काम किसी भी कीमत पर अंजाम देंगे, पर हम ये भी चाहेंगे इस बात का जिक्र कहीं ना हो। जो हुक्म आली जा। अब ना हातिम रहेगा और ना उसकी सखावत। अब जमीन से लेकर आसमां तक सिर्फ हमारी सखावत का जिक्र होगा, सिर्फ हमारी सखावत का। आप जरा हमारी मदद कीजिए। हुक्म कीजिए जनाब। मैं सफर से आ रहा हूं, बहुत थका हूं। रात गुजारने के लिए कहीं जगह मिल सकती है? अरे क्यों नहीं, मेरा घर हाजिर है जनाब, आप आइए तो सही। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जनाब आइए। आप अपने पैर इसमें डाल दीजिए। अभी क्या कर रहे हैं? अरे आप हमारे मेहमान हैं और मेहमान नवाजी करना हमारा फर्ज है, और आप तो दूर से आए, थक भी गए होंगे। आइए ये। अरे
मैं जानता हूं आप काफी थक चुके होंगे, ये गर्म पानी है। ये दूसरा पैर दीजिए। मुझे लगता है आपको भूख भी लगी होगी, मैं अभी आया। ये लीजिए, आपको काफी भूख लगी होगी, मैं अभी आया। आप खाइए तो सही। आप भी? नहीं नहीं, आप लीजिए, आप हमारे मेहमान हैं। आप ये फल खा लीजिए, फल हाजमे के लिए बहुत अच्छी चीज है। हमें किसी भी कीमत पर हातिम का सर चाहिए। हम जानते हैं कि आप एक बहादुर सिपाही हैं, लड़ाई के हर दाव पेच से बखूबी वाकिफ हैं। हमें आपकी सलाहियतों पर फक्र है सिपाही सालार। मैं आपका हुक्म किसी भी कीमत पर बजा लाऊंगा, आप इतना रखे जाते ना। सिपाही सालार, हमें इस बात का यकीन है कि आप ये काम किसी भी कीमत पर अंजाम देंगे। या मेरे अल्लाह, आपकी कितनी इनायत है मुझ में, आप हमेशा से मेरे घर में मेहमानों को भेजते रहे हैं, ये तो आपकी इनायत है कि मुझे मेहमान की मेहमान नवाजी का मौका मिलता है। या अल्लाह, आज जो मेहमान मेरे घर आया है काफी दूर से आया है और किसी काम से आया है, मेरे अल्लाह इसकी हाजत रवा करना और मैंने कोशिश की कि मैं इस मेहमान की मेहमान नवाजी करूं, अगर मुझसे कोई कोताही हुई हो तो मेरे अल्लाह मुझे माफ करना। हाँ, मुझे माफ करना मेरे अल्लाह।
अब मुझे इजाजत दीजिए मेरे दोस्त। ये क्या, अगर आप कुछ दिन और रुकते तो मुझे मेहमान नवाजी का मौका मिल जाता। मुझे रुकने में कोई हर्ज नहीं था, लेकिन मैं एक जरूरी काम से यहाँ पे आया था, इसलिए मुझे जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। आप मेरे क्लूज पे एतमाद कीजिए, मुझे बताइए कि आप किस काम से आए। हो सकता है कि उस काम में मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। मैं एक शर्त पे आपको ये राज बताऊंगा, आप इस राज को कहीं फाश नहीं करेंगे, क्योंकि आप बहादुर हैं और बहादुर पर्दापोश होते हैं। आप बेफिक्र रहिए, मैं यहां पे हातिम ताई को कत्ल करने के लिए आया हूं। इसका सिर शाह यमन ने मांगा है, इसी मकसद से उसकी तलाश में आया हूं। अगर उसके कयामगाह तक आप मेरी रहनुमाई कर सकेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो ये बात है, आपको हातिम की तलाश है जी। आप ऐसा करो मेरे दोस्त, मेरा सर हाजिर है, आप मेरे सर को मेरे जिस्म से अलग कर दो और यहां से फौरन चले जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि यहां के लोग तुम्हारा कोई नुकसान पहुंचाए और मेरे कबीले के लोग तुम्हारी राह में घायल हो। आप मुझे क्यों गुनाहों में गिरफ्तार करना चाहते हैं? इंसान नहीं, एक फरिश्ता है। मेरे दोस्त, मैं कोई फरिश्ता नहीं, मैं ही हातिम हूं। आप हातिम हैं? अब रुकेंगे, मेरे जिस्म से मेरे सर को अलग कर दीजिए और चले जाइए। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दीजिए हातिम, मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? आप शहंशाह का हुक्म बजा लाइए। अगर मैं आपके जिस्म पे फूल भी मारूं तो मैं मर्द नहीं कहलाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए हातिम, मुझे माफ कर दीजिए। अगर मेहमान नवाजी में मुझसे कोई गुस्ताखी हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ करना। कैसी बात कर दी आपने, ऐसा कुछ नहीं हुआ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खाली हाथ आए हैं सिपे सालार, जानते हैं इसकी सजा क्या है? आलम बला, आप मुझे जो भी सजा देंगे मुझे कबूल है, क्योंकि मैं आपके हुक्म की तामील न कर सका। जहां बना, मैं पुख्ता इरादे के साथ हाकिम को कत्ल करने निकला था, लेकिन हाकिम के एहसान और बुलंद हिम्मत की तलवार ने मुझे काट दिया। कुछ नहीं कर सकता। ऐसा क्या हुआ सिपे सालार जो आपकी कमर दोहरी हो गई? बादशाह सलामत, उसकी नवाजिश को बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। जब मैं कबीले में पहुंचा, मेरे जिस्म से मेरे सर को अलग कर दीजिए। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता,
मुझे माफ कर दीजिए हातिम, मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? आप शहंशाह का हुक्म बजा रहे हैं। वाह हातिम वाह, वाकई हातिम वैसे ही है जैसी उसकी शोहरत। आज से हम आपके कायल हो चुके हैं हातिम, आपके पास जो कुछ है वो किसी बादशाह के पास भी नहीं। सिपे सालार, इस वाक्या को हमेशा हमेशा के लिए अपने सीने में दफन कर दो। शाही जश्न का ऐलान करवा दो और हातिम को 22 दरबार में लेकर आओ, हम उनसे मिलना चाहेंगे। जो हुक्म अली जान। हातिम, शोर गुल से तेरी सखावत का क्या मतलब, दिल के सखी तमाशा किया नहीं करते। ये मात सने मुआने सहबाई आसमाने, हर पीस इल्म हिकमत हर साफ बुल सितानी, हर लफ्ज बोस्तानी। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता।